हे एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग सो गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे सो ये लुक है ऐश्वर्या राय का जो कि जोधा अकबर में था सो so गाइस इस लुक को मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ अब ऐश्वर्या राय तो मैं नहीं लग सकती बट मैंने बहुत ट्राई करा है कि मैं थोड़ा भी वैसा मैं लुक क्रिएट कर पाऊँ तो आई होप आप आपको ये पसंद आए तो चलिए इस लुक को रिक्रिएट करते हैं बट उससे पहले आप मेरे चल पहली बार होता तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा सो so, गई सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी इसके लिए मैंने यहाँ पे नेविया का मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है जो कि मैं अपने सारे वीडियो में मैं यही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है काफ़ी अच्छा है सो so, मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने नेक पे अपने पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है और उसको दस मिनट के लिए छोड़ देना है देन मैं प्राइमर यूज़ करूँगी इसके लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर लिया जो कि सिलिकॉन बेस है और ऑयली फेस के लिए बहुत बढ़िया है मैं हमेशा बोलती हूँ सो so इसको अपने फेस एंड नेक पे लगा तो बिल्कुल भी ना भूलें एंड फिर उसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में फिर मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए इनसाइड का कलर करेक्टर लिया हुआ है मेरे को काफ़ी डार्क सर्कल है सो मैं इसलिए हमेशा यूज़ करती हूँ सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका मेकअप फ्लॉलेस लगे तो आप वीडियो को पूरा देखना देन मैंने यहाँ पे दो फाउंडेशन को मिक्स किया जो जिनकी दोनों लैकमे का है सो इससे मेरा परफेक्ट सेड आ गया है सो इसको मैं डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी सो गई फर्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको ऐसे टैप टैप करके फाउंडेशन अप्लाई करना है अपने फेस पे एंड अपने नेक पे आपको हमेशा ड्रैग करके अप्लाई है, है? करना है ठीक है नेक पे ड्रैग करना है एंड फेस पे आपको टैप करना है सो ये फर्स्ट ट्रिक है आपको टिप से आपको हमेशा याद रखनी है एंड सेकेंड टिप है कि हमेशा अपने अंडर आई के नीचे कंसीलर अप्लाई करें ना कि फाउंडेशन फाउंडेशन अप्लाई करने से आप आपको बहुत क्रीजिंग होती है और बहुत गंदा दिखता है तो हमेशा कंसीलर अप्लाई करें यहाँ तक कि कलर करेक्टर को भी हाइड करने के लिए कंसीलर ही यूज़ करें सो so गाइस आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और हम यहाँ पे मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ कॉन्ट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे जो कॉन्ट्रोल लगाया था वो बहुत ज़्यादा लग गया था सो so गाइस आपको क्या करना है आपको आपको कोई भी लूज पाउडर लेना है एंड ऐसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है उसको सो so आप देख सकते हो वो कितने अच्छे से परफेक्टली हट गया सो ऐसा आप कर सकते हो सो गाइज कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर डैजलर का कॉन्ट्रोल लिया हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा है सो so गाइज ये एक हैक था जैसे मैंने नोज़ को भी कॉन्ट्रोल किया हुआ है सो so इसे बहुत अच्छे से आपका नोज कॉन्ट्रोल होता है सो so आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना फिर मैंने यहाँ पर ग्लैम का थ्री इन वन पैलेट लिया हुआ है सो so इसमें से मैंने लिया हुआ है ब्लस जो कि काफ़ी पीच सा कलर है काफ़ी अच्छा कलर है सो so इसको मैं अप्लाई करूँगी देन मैंने यहाँ पे फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया सो so, इससे मैं सेट करूँगी आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो बट मुझे ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर पसंद आता है सो so, मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ सो so, इसको मैं अपने नेक पे एंड जहाँ जहाँ पे मुझे सेट करना है सो so, मैं उसको अप्लाई कर लूँगी फिर मैंने यहाँ पे मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल लिया हुआ है जो कि एक सेट आपको स्पूली मिलती है एंड दूसरे सेट आपको पेंसिल मिलती है जो कि ब्राउन सेट में है काफ़ी अच्छा है काफ़ी अफोर्डेबल है सो इससे मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी फिर यहाँ पे आई सैडो के लिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस का आई पैलेट लिया हुआ है सो गाइस इसमें से ये बहुत ही प्यारा सा पीच सा सेड है सो इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने पूरे आईलेट पे ज़्यादा इसमें आपको अप्लाई नहीं करना आई सैडो को हल्का सा ही आपको अपने पूरे आईलेट पे अप्लाई करना है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ठीक है जैसे कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लेंड करोगे जितना उतना आपका मेकअप अच्छा लगेगा सो दोनों साइड आपको ब्लेंड कर लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ फिर यहाँ पे मैंने एक काजल लिया जो कि लैकमे का काजल है सो so, इसको मैं हल्का हल्का अप्लाई करूंगी जैसे कि आप लाइनर अप्लाई करते हो तो हल्का सा ही मैं अप्लाई करूंगी ठीक है जैसे कि मैंने बहुत ही कम ही लगाया हुआ है फिर इसको मैं ऐसे पेंसिल जैसे ब्रश से उसको अच्छे से स्मच कर लूँगी ठीक है अच्छे से आपको स्मच करना है और आपको ऊपर की साइड स्मच करना है कि जैसे लाइनर का जो फिंग होता है ना सो वैसा लगे और हल्का सा ही करना है ज़्यादा आपको डार्क नहीं करना सो आपको अच्छे से स्मच कर लेना है नीचे भी आपको वो पिंक सेड को मैं नीचे मच कर लूँगी काजल नहीं लगा रही मैं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी अच्छा सिंपल सा लुक है सो so, इसलिए यहाँ पे काजल और अप्लाई नहीं करना है सो so, आइज़ के इनर कॉर्नर में मैंने उसी पैलेट में से सिमरी सेड लिया हुआ है सो so, इसको मैंने अप्लाई किया हुआ है अपने इनर कॉर्नर में और अपने आईब्रो के नीचे भी अप्लाई किया हुआ है ठीक है सो गाइज दोनों साइड आपको अप्लाई कर लेना है अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा लुक लग रहा है फिर यहाँ पर मैंने उसी माइकलैम के ही पैलेट में से हाईलाइटर लिया हुआ है सो so, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने नोज पे अपने क्यूपेड पे अपने चिक्स पे एंड हेड पे भी थोड़ा सा अप्लाई करना फिर यहाँ पे मैंने मस्कारा लगाया जो कि मेबलिन का मस्कारा है काफ़ी अच्छा है सो so, इसको अप्लाई करना है इसमें आपको मस्करा बहुत अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करना है ना कि आपकी आँखों की खूबसूरती वही है मैंने स्वस्ट बिटी का लिपस्टिल लगाया है जो कि सेड है लॉस्ट ऑन काफी प्यारा सेड है छोटा सा बिंदी मैंने लगा लिया है तो मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है सो आई होप गाइज ये लुक आपको पसंद आए काफी सिंपल सा प्यारा सा लुक है आप घर की पूजा में भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो सो so, गाइज अगर ये लुक आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर कीप वॉचिंग गाइज